दोस्तों एक नई चीज हो रही है इस घर के अंदर, चिकन बन चुका है। ये चावल पड़े हैं इधर और ये कोयला रखा है। मैंने पूछा कोयले का क्या करेंगे, तो शीज लाइक कि इसमें क्या फ्लेवर डालेंगे स्मोकी, जो बना बनाया है ना एक कटोरी अलग रख लो, ताकि अगर ये स्मोक के चक्कर में आपका खराब हो जाए तो हम खाना खा सकें। अच्छा कितनी बार भूखे सोए तुम? मैं तो आज तक नहीं सोया, मैं तो अभी भी क्या बोलूँ आपको झूठ बोल के, मैं बाहर जाके गोलगप्पे खा लिखा के आया हूँ। ओ तभी मैं सोचू आज इतना इंफू कैसे है तुझे। आज खुद बोला श्रेया घर में बॉडी वॉश नहीं है, मैं बॉडी वॉश लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा इस लड़के को क्या हो गया यार, मतलब हाउ कैन ही बी सो होमली कि इसे पता है कि घर में बॉडी वॉश नहीं है, बॉडी वॉश लेने जा रहा है। मुझे पता था गोलगप्पे बोल के जाऊंगा तो जाने नहीं दोगे। सो गाइस इसमें हमने लिया, सो गाइस गाइस लिया मोटी इलायची और थोड़ी सी लौंग जो कि उसने भी ली थी, और इसमें थोड़ा सा मैंने लिया है घी, ठीक है। और अब हम इसे करेंगे, वरना ढंग की कटोरी ली होगी, ऐसी स्टील की पुरानी कटोरी नहीं ली होगी। गैस पे क्या चढ़ाएगा तू, सेरामिक चाहे ना क्ले की कटोरी, स्टील की ही चाहिए होगी इसके लिए। इसको थोड़ा कोयला का क्या करोगे, टाइम से पकड़ जाएगा? नहीं पकड़ा जाएगा, गोभी गिर जाएगा, मैं लिख के दे रही हूँ गिर जाएगा, फटना जाए कुकर ध्यान से, सारा ब्लॉग निकल। फिर दो दिन दरवाजे खुलेगा तो ऐसे कैसे फटा फटा फोन मिलेगा, ऐसे ऐसे और आधे घंटे का फुटेज इस तरीके से आएगा। एनीवेज और उसको ढक दिया था। कोयले का क्या हुआ बता रही हूँ ना श्रेया, खराब मत कर देना आप। आप जो है मैं भी पहली बार ही खा रही हूँ, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम राइट। तो दोस्तों ये कोयला चिकन की रेसिपी नहीं है, सिर्फ चिकन बनने के बाद उसमें कोयला डालने की रेसिपी है। क्या करोगे? अरे क्या कर दिया, बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप रे बाप, इससे क्या होगा? अच्छे से डालो, हाँ थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। टैलिस्कर एक करके विस्की होती है, वो स्मोकी होती है। गाइस को अब ये तो गाइस वर्ड हटा दो जिंदगी से, ठीक है। अब ये जो मैं गाइस वर्ड हटा दूं और तू जो दोस्तों दोस्तों करता रहता है वो दोस्तों तो नया है ना, तो ये अब मैं कोयला इसमें से हटा रही हूं और ये जो है घी इसको इसमें थोड़ा सा कोई चिकन स्पा। चलो खाने चलो, भूख लग रही है भाई। यो द कैमरा इज ऑन, सॉरी दीपक, मुझे लग रहा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये नहीं आप खींचिए इसको, क्या करके मजाक करते नहीं सर, मैं देख रहा हूं करते क्यों नहीं आप, देख रहे हैं चेस्ट आपके पूरा ऐसे कूद करना, अच्छा समझ रहे हैं ये सीटेड हो रहा है, अब मैं लेट रहा हूं। चलिए पैर से संभाल लीजिए ये, इसलिए पैर आपको सपोर्ट, ये ना हां खींचिए और थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, चलिए सर अभी करिए इसको तेज करिए थोड़ा, आप आगे क्यों झुक रहे हैं और टाइट कर लो, हाँ आगे में झुकिए आप, ये आ रहा है, हाँ करिए बस, हाँ पीछे पूरी ताकत से, चलिए कर ले जुगाड़ कर ले, आप करिए इसको ऐसे, 10 से काम नहीं चलेगा, आप तेज करिए थोड़ा, 50 हाँ 50 करिए, कोई 49 हाँ, सीधी कमर थोड़ा पीछे झुक सकते हैं हल्का, 6 5 4 3 2 होल्ड 5 4 3 खींचे खींचे, एक तेज को छोड़ेगा मुंह लाल हो जाएगा, 2 1 अभी चालू करा, पकड़ लीजिए, चलिए पकड़ लीजिए, हाँ चलिए इधर चलिए, इधर चलिए कम ऑन, अरे रुकना थोड़ी है, चलिए तो इजी है वैसे, हाँ इजी कोई बात नहीं, अभी अभी थोड़ी उतरने वाले हैं, वो मत कर देना, घूम जाइए घूम जाइए घूम जाइए घूम जाइए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अराउंड 60 किलो हूं वैसे, हां उधर से फिर घूम जाइए, अभी थोड़ी खत्म हो गया, घूम जाइए, बढ़िया बढ़िया है दीपक, थैंक यू सो मच, अभी थोड़ी अभी छोटी स्पेस है ना तो आपको कई चक्कर लगाने हैं, पार्क थोड़ी है, घूम जाइए सर, आई आई मत करिए, ऊपर देखिए, आई आई मत करिए सर, बोलो ऊपर जाना, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं, मैं फिसल रही हूं, पकड़िए पकड़िए पकड़िए, वो हमें पता ना कितना चले आप, मेरे आंसू निकल रहे हैं, कोई बात नहीं मैं भी थक रही हूं वैसे, कोई हां कोई बात नहीं आपका भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा तुम मुझे चलिए, आप ढंग से पकड़ो ना मुझे, लास्ट 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 मुझे ऊपर करना था, चलिए कम ऑन कम ऑन, आई कम ऑन कम ऑन, चलिए चलिए चलिए, इसकी परेड लगा रहे हो मेरी, चलिए अब उधर घूम जाइए, बस लास्ट लास्ट है,
आज ही आप लास्ट खत्म करिए, लास्ट 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 लास्ट, चलिए चलिए लास्ट है, खत्म लास्ट है बस, सर मेरी वही तोड़ी बस। वक्त में बैटरी लगाने चली थी, वक्त ने धोखा दे दिया। वाह, बोला है 3-5 मत करा करो अपने मन से। अच्छा, 3-5 बैटरी खत्म हो गई है, ऐसे पड़ा है, 3 बज रहा है तब से, कल से 3 ही बज रहा है इस बैटरी में। ये नहीं कि निकाल के जरा हम बैटरी चेंज करें। हाँ हाँ, वो भी मैं करूंगी तब जाके। आपको किसने बोला था जब आपके बस की नहीं है, क्यों कराइए, क्या कराइए, क्या करा क्या। फाइनली श्रेया ने समय को अपने हाथ में ले ही लिया है। एक्चुअली मैं कुछ ठीक कर रही थी इसका वो थोड़ा सा। वाओ, जो भी बोलता है कि समय किसी का मोहताज नहीं होता, आज समय किसी का मोहताज हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों इसमें 6 बजे के बाद कोई भी टाइम बच, 6 बज सकता है इसके अंदर, लेके चलो। एक्चुअली इसका आवर हैंड थोड़ा वो हो गया, बस थोड़ा लूज हो गया। तो करो ना सही, वही वही कह रहा हूँ, वही थोड़ा ही हुआ है ना, थोड़ा सा फर्क पड़ता है श्रेया। घड़ी का पर्पज ही, घड़ी का पूरा पर्पज ही आवर हैंड का ही होता है। ये तो नहीं कि ठीक कर करवा दूं, यहां ब्लॉक बनाने बैठ गया। आपको बैटरी लगा के आपको काम खत्म करना चाहिए, आप उसमें क्या कर रहे थे आप, ये तो धूल हो गई थी, लो कर लो धूल, अब बैठे बैठे नुकसान बटा दिया बैठे बैठे। हां, तुझे पता है इसकी इस घड़ी की प्रॉब्लम क्या होती है, ये दोनों फंस जाता है, आवर हैंड और मिनट हैंड, क्योंकि ये इसका कभी कभी। और लो सादी घड़ियां आती हैं एकदम बेसिक वाली, आगे शीशा लगा होता है, नहीं हम लाएंगे यहां से वहां से एंटीक, पता नहीं कहां से लाए थे ये, कितने की थी ये, हैं याद नहीं है मुझे, मैं कर दूंगी ठीक, ठीक है मुझे, देखता हूं कब ठीक करोगे। हां, क्या ये घड़ी सही हो चुकी है, हैं? मैं तब मानूंगा, इसको छोड़ो। जो आपने एस्थेटिक, जो आपने घड़ी घड़ी के एस्थेटिक के साथ करा था ना, उसके बाद एस्थेटिक्स की बात ना ही करो तो ठीक है। दोस्तों, गौरव कपूर को लगता है कि बस सिपर आ जाने से काम सही हो जाएगा, सिपर को भरना भी पड़ता है, ठीक है, बस सिपर लाने से नहीं होता है, मैं दिन भर भरती हूँ सिपर अपना, तब जाके उसमें पानी रहता है, ठीक है ना, तो क्या कोई कुआं नहीं है कि तुम पीते जाओगे और उसमें पानी भरता जाएगा, अगर तुम परेशान रहते हो। मम्मी यार, वैसे मैं एक बात सच बताऊँ, मुझे ये सिपर ना मैं अपने लिए लाती हूँ। मुझे पता है मेरे लाते क्या होगी, कोई एक नंबर की, मतलब भी चाय भी खुद की बनाते हो, काम भी अपना सारा खुद करते हो, मैं कौन हो रहा ट्रिगर, आओ लो काम करो। नहीं, मैं लाई थी सिपर, ये मैं अपने लिए लाई थी, फिर मैंने सोचा था ले लो लो ले लो, नहीं तेरा मेरा वाला सिपर तुझे बहुत अच्छा लगता था ना, तो मैंने सोचा, अच्छा मैंने सोचा था वो वाला सिपर मैं तुझे दे देती, ये मैं खुद यूज कर लेती। तो आज श्रेया गाड़ी चला रही है और अभी एक डीटीसी वाला ताऊ श्रेया पे चिल्लाया, रे गाड़ी आके रे लगा लेना। एक्चुअली हम ना राइट से लेकर के उधर कर रहे थे, मतलब राइट से लेकर के लेफ्ट में, नहीं लेफ्ट से लेके राइट में लाल बत्ती के लिए डाल रहे थे, ताऊ की पीछे बस फंस गई, उसको सीधा जाना था, कह रहा रे गाड़ी आके रे ले लेना मैडम। ताऊ जो इतने रोड छेक छेक के खड़ा रहता है, ताऊ लोग को बताना चाहिए वो डीटीसी बस वालों को कितनी रैश ड्राइविंग करते हैं वो लोग। गौरव कपूर मुझे उठाकर लाया है, एक रील बनानी है श्रेया, आ जाओ। गौरव कपूर को पगड़ी बांधनी नहीं आती, गमछा बांधना नहीं आता, बुलाऊं क्या गाड़ी साफ करने वाले को, उसी से ही करवा ले, वो घूम ही रहा था अभी ऐसे भी। हाँ ठीक है ना, दोस्तों ये हमारा रियल में गाड़ी साफ करने वाले अच्छे इंसान है, वैसे हम मजाक कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पूरी दुनिया में गाड़ी कैसे साफ होती है, कपड़ा वपड़ा लगता है, सब कुछ लगता है, पानी वानी से होती है, हमारी सोसाइटी में गाड़ी कैसे साफ होती है पता है, मजाक कर रहा हूँ, नाराज नाराज हूँ। Okay guys, so that was the end of today's vlog. I hope you liked it. If you liked the vlog, then do subscribe to the channel. Also, next vlog is going to be out very soon. Next vlog is going to be very fun because I went to perform
स्टैंड अप शो इन IIT दिल्ली और बहुत ज्यादा मजा आया भाई, बच्चों ने मेरी रैगिंग ले ली यार थोड़ी। आज का ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज का ब्लॉग श्रेया ने एडिट करा है पूरा। मेरा दो दिन से एकदम मैं जैसे सोच मैंने खुद को सबसे ज्यादा फुटेज दिया इस ब्लॉग क्या इसलिए मैंने खुद को इस ब्लॉग में सबसे ज्यादा फुटेज दिया है, ज्यादा फुटेज दिया। ठीक है चलो दोस्तों, ओके थैंक यू सो मच, नेक्स्ट ब्लॉग इज गोइंग टू बी आउट वेरी सून, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। एंड बाकी इन्फॉर्मेशन तो व्लॉग ऑलमोस्ट दो तीन दिन में आ ही जाते हैं, तो फिर आगे दे देंगे इन्फॉर्मेशन जो भी देनी होगी भाई साहब।